प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने रीडिंग को काफ़ी अच्छे से समझा था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को चैप्टर 6 जो कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 को। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझते हुए आगे इस वीडियो को कम्प्लीट करोगे और एंड तक वीडियो ज़रूर देखोगे। हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही बारीकता के साथ समझाता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें। और ध्यान रहे, आप लोगों की एकाग्रता बिल्कुल भी भंग नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट की समस्याएं थी, उनके पास जियो का फ़ोन था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो आज आप लोगों को करना क्या है, अपने डाउट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरुआत से मैं एक एक पॉइंट को बताता चल रहा हूँ। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आपके आसपास की बात हो रही है, तो आप लोग रोज़ देखते हो कुछ ना कुछ चेंजेस, आपके जो आसपास परिवर्तन होते रहते हैं उसको आप लोग ज़रूर ध्यान देते होगे। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में आप लोगों ने देखा होगा एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जुड़ी रहती हैं और कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनता रहता है। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें हम लोग, एग्जांपल की बात करें, योर मदर मे आस्क यू टू डिसॉल्व सुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। तो आपकी अगर माताजी आपको घर पर कहती हैं कि आपको क्या बनाना है, जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं तो शिकंजी वगैरह आप लोग बनाते हो, चीनी मिलाते हो, तो उसमें चीनी को क्या करते हो, घोल देते हो। योर मदर मे आस्क यू टू डिसॉल्व सुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। तो शुगर मिला के आप लोगों को क्या करना है, तैयार करना है कोल्ड ड्रिंक। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन अ चेंज। शुगर का जो सोल्यूशन आप लोगों ने बनाया, घोल बनाया, वो भी एक तरह का चेंज ही था। पहले शुगर क्रिस्टल फॉर्म में थे, अब उसको आप लोगों ने पानी में घोल दिया, तो ये क्या था, एक चेंज ही था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन एन ए चेंज। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ ए चेंज। और इसी प्रकार से दूध से दही का जमना भी एक तरह का परिवर्तन ही है, एक तरह का चेंज ही है। जी हाँ, समटाइम मिल्क बिकम सा, कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, सा मिल्क इज़ चेंज, और वो जो खट्टा दूध है वो एक तरह का परिवर्तन ही है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज। और किसी रबड़ बैंड को अगर आप लोग खींचते हो तो वो भी एक तरह का चेंज ही कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में कोई डाउट आप लोगों को हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कुछ सीखना है आप लोगों को, चलिए देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आप लोगों के सामने या आसपास जो भी परिवर्तन हुए हैं उसकी आप लोग लिस्ट तैयार कीजिए, एटलीस्ट 10 चेंजेस आप लोगों को लिखने हैं लिस्ट में, ध्यान रखिएगा। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ उन एक्टिविटीज़ को आप लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करोगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिकली उसको ज़रूर करोगे, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। इन दिस चैप्टर वी विल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। और हम लोग उसके नेचर के स्वभाव के बारे में जो चेंजेस हो रहे हैं इनको आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड। देखिए, दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। देखिए, दोनों तरह के चेंजेस आप लोगों के आसपास परिवर्तन होते रहते हैं, ये परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है और साथ में केमिकल हो सकता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे पेपर पीस दिख रहा जिसको काफ़ी टुकड़ों में विभाजित किया गया है ना, काटा गया है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6.1। देखिए, 6.1 का मतलब होता है चैप्टर नंबर 6 का पॉइंट नंबर 1, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर 6 का पॉइंट नंबर 1। क्या है ये, फिजिकल चेंज। तो नाम से लग गया होगा ये भी चेंज है, लेकिन कैसा चेंज है, एक तरह का फिजिकल चेंज है। तो एक्टिविटी 6.1 को समझते हुए हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कट ए पीस ऑफ पेपर, आप लोगों को एक पेपर का पीस काटना है 4 स्क्वायर पीसेस में, ठीक है, 4 पीस कर लेना उसको, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इंटू 4 स्क्वायर पीसेस, और इसी तरह से उन 4 के भी आप लोगों को 4 भाग करने। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और ए टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर अ शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। और जब उसको सजा के आप लोग अच्छे से रख लोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा बिल्कुल ओरिजिनल पेपर कैसा था। ठीक है, तो काटने के बाद आप लोगों ने सबको फैला देना उन सारे पेपर्स को, आपने देख लिया कि जो फिजिकल चेंज था इसमें कोई भी नया पदार्थ बिल्कुल नहीं बना, वही चीज़ आप लोगों ने टुकड़ों में तोड़ दी थी और बाद में उसको एक एक सीक्वेंस में लगाने के बाद आपको वही चीज़ दोबारा मिल गई। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस।
बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेपर। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिला होगा आप लोगों को। क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, करेक्टरिस्टिक फीचर में क्यों नहीं बदलाव आया, ये सब कुछ मैं बताऊँगा। चलिए बात कर लेते हैं एक्टिविटी 6.2 की। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आप लोग जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोग अपने क्लासरूम में जाइएगा, ब्लैक बोर्ड के नीचे आप लोगों ने डस्ट पाउडर देखा होगा जो कि चॉक का था। जी हाँ, चॉक से रिलेटेड ही है। क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, आपको क्या करना है, डस्ट को उठाना है, इकट्ठा करना है और उसमें सम वाटर आपको मिक्स कर देना है और एक पेस्ट बना लेना है और इसको रोल करते हुए एक शेप देते हुए आप लोगों को चौक के आकार की एक संरचना बनानी है और इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो वापस चाक आप लोगों को मिल गई होगी। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट, क्या आपको वापस चौक मिली या फिर नहीं। तो मिल तो गई होगी, बताने की कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों को, आप लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं। आप लोग घर में भी अपने इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। आगे, टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। आप लोगों को क्या करना है, बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, किसी भी ग्लास में उसको रख देना है और मेल्ट होने के बाद अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द आइस प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, और जब वो गल जाए तो उसको सन के सामने क्या करना है, रख देना है। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब आपके सामने एक मिक्सचर होगा वाटर और आइस का। जी हाँ, नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर, और आपको करना क्या है, उसी टम्बलर को फ्रीज में रख देना है आइस प्लस कॉमन सॉल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, डज द वाटर बिकम सॉलिड वंस अगेन, क्या आपको लगता है कि वापस से वो सॉलिड फॉर्म में आ गया होगा, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कमेंट ज़रूर करते चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। एक्टिविटी 6.4, तो क्या करना है 6.4 में, ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोग अपने घर में भी कर सकते हो अगर आप लोग प्रैक्टिकल बेस्ड साइंस पढ़ना चाहते हो। तो हर एक एक्टिविटी आप ही लोगों के लिए तैयार की गई है और मैं उम्मीद करता हूँ हर एक एक्टिविटी को आप लोग करने का प्रयास ज़रूर करोगे, तो ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 6.4 को देख लेते हैं। 6.4 में कितना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है आप लोगों को। बॉइल सम वाटर इन ए कंटेनर, आप लोगों को पानी को उबाल लेना है एक कंटेनर में रख के। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्राम द सर्फेस ऑफ वाटर, क्या आपने भाप उड़ते हुए देखा या फिर नहीं देखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि भाप आपको दिखाई दी थी या फिर नहीं। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंसेस फ्राम द बॉइलिंग वाटर, आपको क्या करना है, ढकना है अपने उसी बर्तन को बाय द हैंडल ओवर, ढक के रखना है थोड़ा दूरी बनाते हुए, और आपको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर और पानी को गर्म करते रहना। ऑब्जर्व द इंटर सरफेस ऑफ द पैन, और इस प्रकार आप लोग इनर सरफेस जो पैन का था उसको देखते हुए चलना है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या आपने आसपास चिपके हुए कोई ड्रॉपलेट देखे, अगर देखे हैं तो ज़रूर बताइए और अगर नहीं देखे हैं तो इस एक्टिविटी को घर पर करना बिल्कुल मत भूलें। तो घर पर कीजिए और ध्यान रहे, घर मत थूक दीजिएगा, घर में अपने बड़ों को भी साथ में जरूर रखिएगा। इस तरह की एक्टिविटी करते समय बड़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्टिविटी 6.5। तो 6.5 में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन मतलब चेतावनी है। तो चेतावनी क्या कही गई है इसको जान लेते हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, तो किसी भी फ्लेम के सामने आप लोगों को ध्यानपूर्वक अपने हाथ को ले जाना है। ध्यान रहे, बिल्कुल भी जलना नहीं है, जलने का प्रयास भी मत कीजिएगा और ना ही कुछ जलाने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रहे, फ्लेम है, ये जो फ्लेम होती है आप लोगों को लपेट भी सकती है, इसलिए बिल्कुल लपेटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है समझा देता हूँ। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, टोंग्स की सहायता से, टोंग आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में टोंग्स देखे थे जिसकी सहायता से हम लोग टेस्ट ट्यूब को हैंडल करते हैं, मतलब पकड़ते हैं। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लेम ऑफ ए गैस स्टोव, और आप लोगों को क्या करना है, गैस स्टोव के फ्लेम तक उसको ले जाना है और थोड़ी देर रुकना है, गर्म करते रहना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या आपको लगता है वो जो ब्लेड का टिप था, जो आगे का भाग था, क्या उसका कोई कलर चेंज हुआ। अगर आपको लगता है कि हाँ कलर चेंज हुआ तो बताइएगा कलर का रंग क्या था। अगर आपको रंग पता है तो इसका मतलब आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल कर रखा है, नहीं पता तो घर पे ये प्रैक्टिकल जरूर कीजिए। अब क्या करना है, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, और धीरे से उस ब्लेड को फ्लेम से हटा लेना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम,
और कुछ समय बाद आप लोगों को वापस से उसी ब्लेड के कलर को चेक करना है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? आपको लगता है क्या वापस से वही कलर वापस पहुंच गया जिस कलर का वो ब्लेड था? अगर हाँ तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी जो उम्मीदें हैं या आपके जो आंसर्स हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबव यू सॉ दैट पेपर ऑफ अ पीस एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडर वेंट चेंजेस इन साइज, तो उसमें परिवर्तन देखने के लिए आप लोगों को मिला था। इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज्ड इट स्टेट, ध्यान रखिएगा पानी में परिवर्तन आया था, उसके स्टेट में परिवर्तन आया था, सॉलिड लिक्विड गैस में परिवर्तन आया था। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्स ऑफ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग, तो गर्माने पर उसके कलर में चेंज आया था। प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान रखिएगा फिजिकल चेंज में ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल रही है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, इसी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, तो परिवर्तन अगर फिजिकल चेंज में हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो रहा है, तो इसे ही फिजिकल चेंज बोलते हैं। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, यानी कि वापस से हम पुरानी चीज में आ सकते हैं, यानी कि ब्लेड को गर्माने के बाद उसका जो रंग चेंज हुआ था और कुछ समय बाद वापस उसी रंग में वो आ गया था, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज, परिवर्तन ऐसा जो वापस से अपनी पुरानी जगह पहुँच जाए। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, यानी कि इस तरह के परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। जैसे अगर बात करें दूध से दही का जमना, तो ये फिजिकल चेंज में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बन सकता, अगर बन नहीं सकता तो ये रिवर्सिबल बिल्कुल नहीं है। और जबकि आपने पढ़ा है फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेट अस नो कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंजेस, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो क्या होता है केमिकल चेंज, चाहिए जानते हैं।